नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जाएगी आज राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसके अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। कक्षा 12 स्वतंत्र भारत में राजनीति शास्त्र की एक किताब है, उसका पाठ नंबर 1 है। इसके अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके विषय में हम दो भागों में पहले चर्चा कर चुके हैं। अगर आप उन चर्चाओं को देखे हैं तो बड़ी आसानी से इन अभ्यास प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक के तमाम NCERT किताबों के आधार पर प्रतिदिन किसी न किसी एक पाठ पर चर्चा की जाती है और साथ में उसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। आज इसी सीरीज में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखें कि पहला प्रश्न क्या है। भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित से में से कौन सा कथन गलत है? भारत विभाजन दरी राष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। दरी राष्ट्र मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था। बिल्कुल हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। निश्चित तौर पर पूर्वी पाकिस्तान इस तरफ था, बांग्लादेश जो वर्तमान में है, और पश्चिमी पाकिस्तान भारत के इस तरफ था, जबकि ये क्षेत्र में अपना भारत था। आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ जो चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदलाबदली हो गई। यहाँ पर इसमें से कौन सा गलत कथन है, इसके विषय में हमें बताना था। ये कथन गलत था कि विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच की आबादी की अदलाबदली होगी, यह चीज नहीं थी। जबकि दोनों देशों के जो उस समय के नेता थे उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति जो भी जिस देश में आएगा वो अपने धर्म के अनुसार रह सकता है, ये हमने देखा था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित सिद्धांतों के उचित उदाहरणों का मेल करें। नंबर 1, धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण। नंबर 2, पाकिस्तान और बांग्लादेश। नंबर 3, विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण। नंबर 4, भारत और पाकिस्तान। इस तरीके से एक कथन दिया गया है, जबकि उसके दूसरी साइड क ख ग में दिया गया है। अगर इस प्रश्न को हम मिलान करें इसका, तो देख सकते हैं कि धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान का हुआ, या नहीं क का दूसरा वाला हो जाएगा। विभिन्न भाषा के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण पाकिस्तान और बांग्लादेश का हुआ। विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण पाकिस्तान और बांग्लादेश का हुआ। जबकि तीसरा कथन इसमें था, भौगोलिक आधार पर अपर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दो ऐसे राज्य हैं जिनका सीमांकन भौगोलिक आधार पर हुआ है, ये पर्वतीय राज्य हैं। और अगला जो कथन था, किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन, ये है दोस्तों, इसके लिए है झारखंड और छत्तीसगढ़। ये दो ऐसे राज्य हैं जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, जिन पर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन किया गया है। आप इस तरीके से मिलान करके लिख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखें अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। नीचे दो तरह की राय लिखी हैं, जिसमें रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से इन रियासतों की प्रजा तक लोकतंत्र का विस्मय हुआ है। इंद्रप्रीत यह बात दावे के साथ नहीं कह सकता, इसमें बल प्रयोग भी हुआ, जबकि लोकतंत्र में आम सहमति से ही सहमति का काम किया जाता है या लिया जाता है, आम सहमति से ही काम लिया जाता है। देसी रियासतों के विलय और ऊपर के मशीरे के आलोक में इस घटनाक्रम पर अपनी आपकी क्या राय है? उत्तर देखें, इस बात में पूर्ण सच्चाई है कि रियासतों को भारतीय संघ में मिलने
ऐसे इन रियासतों की प्रजा पर लोकतंत्र का विस्तार हुआ, अर्थात इन रियासतों के लोग अब स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने लगे तथा उन्हें अपने विचार अभिव्यक्ति करने तथा सरकार की आलोचना का अधिकार हो गया। यद्यपि कुछ रियासतों को भारत में मिलाने के लिए कुछ बल प्रयोग किया गया, परंतु तात्कालिक परिस्थितियों में इन रियासतों पर बल प्रयोग करना आवश्यक था, क्योंकि इन रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था तथा इनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि इससे भारत की एकता एवं अखंडता को सदैव खतरा बना रहता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बल प्रयोग किया गया वह इन रियासतों की जनता के विरुद्ध किया गया, और जब ये रियासतें शामिल भारत में शामिल हो गई तब इन रियासतों के लोगों को भी सभी लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान कर दिए गए, या नहीं भारत में जो समान नागरिकता का अधिकार है वह इन्हें प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे 1947 के अगस्त के कुछ बयान दिए गए हैं जो अपनी प्रकृति अत्यंत भिन्न है। आज आपने अपने सर पर कांटों का ताज पहना है, सत्ता का आसन एक बुरी चीज़ है, इस आसन पर आपको बड़ा सचेत रहना होगा, आपको और ज़्यादा विनम्र और धैर्यवान बनना होगा, अब लगातार आपकी परीक्षा ली जाएगी। मोहनचंद करमचंद्र गांधी जी ये कह रहे हैं, और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि भारत आज़ादी की जिंदगी के लिए जागेगा, हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाएंगे। आज दुर्भाग्य एक दौर का खत्म होगा, हिंदुस्तान अपने को फिर से पा लेगा। आज हम जो जश्न मना रहे हैं वह कदम भर है, संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इन दोनों बयानों से राष्ट्र निर्माण का जो एजेंडा ध्वनित होता है उसे लिखिए, आपको कौन सा एजेंडा जांच रहा है और क्यों, आपको कौन सा एजेंडा जच रहा है मतलब पसंद आ रहा है और क्यों। उत्तर है, मोहनचंद करमचंद गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों के बयान राष्ट्र निर्माण से संबंध है, परंतु प्रकृति में सर्वथा भिन्नता है, भिन्न है। जहां गांधी ने देश के नए शासकों को यह कहकर आगाह किया है कि भारत पर स्वयं शासन करना आसान नहीं होगा क्योंकि भारत में कई प्रकार की समस्याएं हैं जिन्हें हल करना होगा, वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भविष्य के राष्ट्र की कल्पना की है जिसमें उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की है जो आत्मनिर्भर स्वाभिमानी बनेगा। हम यहाँ पर नेहरू के बयान से अधिक तौर पर सहमत है क्योंकि उसके बयान से भविष्य के समग्र एवं शक्तिशाली राष्ट्र के दर्शन होते हैं, जबकि गांधी जी भी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और गांधी जी के बयानों से भी हम सहमत हो सकते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया, क्या आपको लगता है कि केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क है अथवा इसमें कोई तर्क युक्ति परक भी है। आप देख रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू जी के जीवन की समस्याओं के प्रति वह क्या थे, सदैव धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखते थे, उनकी मानसिक प्रवृत्ति वैज्ञानिक थी, उन्होंने प्रथाओं तथा परंपराओं का विरोध किया था, वह धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहते थे, वह प्रजातंत्र को तभी सफल कहते थे जब उसका आधार धर्म निरपेक्षता हो, उन्हें रहस्यवाद से चिढ़ थी क्योंकि उसे वह अस्पष्ट तथा प्रालौकिक समझते थे, उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक तथा यथार्थवादी था, उन्होंने आध्यात्मिक विषयों जैसे आत्मा एवं जीवन मृत्यु आदि का महत्व की दृष्टि से नहीं देखा था, उनकी धर्मनिरपेक्षता के प्रति गहन निष्ठा थी, उनका विचार था कि राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होना चाहिए, न ही उसे किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करना चाहिए और न ही उसका विरोध करना चाहिए, राज्य को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और सभी धर्मों को उसके क्षेत्र से पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। अपनी आत्मकथा में वो लिखते हैं कि धर्म विशेषतः एक संगठित धर्म है जो रूप
भारत में तथा अन्यत्र देखता हूँ वह मुझे भयभीत कर देता है। प्रायः उसकी निंदा करता हूँ और इसका उन्मूलन कर देना चाहता हूँ। धर्म ने सदैव अंधविश्वास मतांधा प्रतिक्रियावाद शोषण तथा निहित स्वार्थों को पुष्ट किया जाता है। धर्म निरपेक्षता पर विचार प्रकट करते हुए उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, या नहीं नेहरू जी ने कहा था, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ धर्महीनता नहीं है, इसका अर्थ है कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान आदर भाव तथा सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर है। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों नहीं हो, इसलिए हमें अपने दिमाग अपनी संस्कृति के आदर्शमय पहलुओं को ही सदा दिमाग में रखना चाहिए, जिसका आज के भारत में सबसे अधिक महत्व है। यद्यपि नेहरू जी ने धर्म निरपेक्षता में पूर्ण विश्वास रखते थे, परंतु वह धर्म विरोधी या नास्तिक नहीं थे। धर्म शब्द के उच्चतर अर्थ को तो उन्होंने अत्यंत धार्मिक व्यक्ति समझा जा सकता है। उनका धर्म संबंधी अवधारणा संकुचित न होकर अत्यधिक विशाल था। उन्होंने स्वयं ही कहा है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, परंतु मैं किसी वस्तु में विश्वास अवश्य करता हूँ। मनुष्य उसके सामान्य स्तर से ऊंचा उठाती है तथा मानव के व्यक्तित्व को आध्यात्मिक गुण एवं नैतिक गहराइयों का एक नवीन प्रमाण प्रदान करती है। हम इसे धर्म या जो चाहे कह सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए वह भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य बनाना पसंद करते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। आज़ादी के समय देश के पूर्वी एवं पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के लिहाज से दो मुख्य अंतर क्या थे? आज़ादी के समय जो पूर्वी एवं पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के लिहाज से दो मुख्य अंतर थे। पूर्वी क्षेत्र में सांस्कृतिक एवं आर्थिक संतुलन की समस्या थी, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में विकास की चुनौतियां थी। पूर्वी क्षेत्र में भाषाई समस्या अधिक थी, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में धार्मिक एवं जातिवादी समस्याएं अधिक थी। प्रश्न नंबर 8 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था? इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी? हमने देखा था राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में स्थापित किया गया था। यही चीज़ें शायद यहाँ पर दी हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। इस आयोग का मुख्य कार्य राज्यों के सीमांकन के विषय में गौर करना था। इस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। आइए देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कजतहा है कि राष्ट्र एक व्यापक अर्थ में कलिप्त समुदाय होता है और सर्वमान्य विश्वास इतिहास राजनीति आकांक्षाओं और कल्पनाओं से एक सूत्र में बंधा होता है। उन विशेषताओं की पहचान करें जिसके आधार पर भारत एक राष्ट्र है। उत्तर है, भारतीय राष्ट्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भौगोलिक एकता में राष्ट्रवाद का विकास होता है। जब मनुष्य कुछ समय के लिए एक निश्चित प्रदेश में रह जाता है तो उसे प्रदेश से क्या होता है, प्रेम हो जाता है। यदि उसका जन्म उस प्रदेश में हुआ हो तो प्यार की भावना और तीव्र हो जाती है। खानाबदोश कबीलों में राष्ट्रीय भावनाएं उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते फिरते रहते हैं। दूसरा है, सामान्य हित। भारतीय राष्ट्र के लिए सामान्य हित महत्वपूर्ण तत्व है। यदि लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक हित समान हो तो उसमें एकता की स्थिति उत्पन्न होती है। या नहीं एकता की उत्पत्ति होना क्या है, स्वाभाविक है। 18वीं शताब्दी में अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के विभिन्न राज्य आपस में संगठित हो गए और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उसके बाद नंबर 3, सामान्य मातृभूमि। प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि अर्थात अपने जन्म के स्थान से प्यार होना स्वाभाविक ही है। एक स्थान या प्रदेश पर जन्म लेने वाले व्यक्ति मातृभूमि से प्यार करते हैं और इस प्यार के कारण आपस में एकता की भावना के अंदर बच जाते हैं।
भारत में लाखों की संख्या में सिख इंग्लैंड कनाडा आदि दूसरे देशों में गए हुए हैं, परंतु मातृभूमि के प्यार के कारण वे अपने आप को सदा भारतीय राष्ट्रीयता का अंग मानते हैं। सामान्य इतिहास भी राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्र का एक महत्वतत्व है। जिन लोगों का सामान्य इतिहास होता है उसमें एकता की भावना का आना स्वाभाविक है। लोक इच्छा अगला जो इसका हेडिंग बन सकती है, भारतीय राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण तत्व लोगों की राष्ट्रवादी बनने की इच्छा है। मैजनी ने लोक इच्छा को राष्ट्र का आधार बताया है। नंबर 6 सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं, भारतीय राष्ट्र में सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं महत्वपूर्ण तत्व है। स्वतंत्रता की भावना तथा अपनी सरकार की भावना प्रत्येक व्यक्ति में होती है। जब लोगों के समूह में विदेशी राज्य को समाप्त करने की भावना होती है तो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। भारत अंग्रेजों के अधीन था, परंतु स्वतंत्रता की इच्छा इतना बल पकड़ गई कि विभिन्न धर्मों तथा विभिन्न भाषाओं के लोग भी इकट्ठा हो गए और एक राष्ट्रीयता में बध गए और इकट्ठा होकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। आज भी भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का एक कारण राजनीतिक आकांक्षाएँ हैं। आइए देखें अगला प्रश्न कि नीचे लिखे अवतरण को पढ़िए और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राष्ट्र निर्माण के इतिहास के लिहाज से सिर्फ सोवियत संघ में हुए प्रयोगों की तुलना भारत से की जा सकती है। भारत से की जा सकती है सोवियत संघ के विभिन्न और परस्पर अलग अलग जाति समूह धर्म भाषाई समुदाय और सामाजिक वर्गों के बीच एकता का भाव कायम करना पड़ा। जिस पैमाने पर यह काम हुआ, चाहे भौगोलिक पैमाने के लिहाज से देखें या जनसंख्या वैविधित के लिहाज से, वह अपनाने में बहुत व्यापक कहा जाएगा। दोनों जगह राष्ट्र को जिस कच्ची सामग्री से राष्ट्र निर्माण की शुरुआत करनी थी वह समान रूप से दुष्कर थी। लोग धर्म के आधार पर बटे हुए थे और कर्ज तथा बीमारी से दबे हुए थे। यहाँ पर इन कथनों के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि यहाँ लेखक ने भारत और सोवियत संघ के बीच जिन समानताओं का उल्लेख किया है उसकी एक सूची बनाइए। इसमें प्रत्येक के लिए भारत से एक उदाहरण दीजिए। सोवियत संघ, इसका उत्तर है सोवियत संघ की तरह भारत में भी जाति समूह धर्म भाषाई समुदाय और सामाजिक वर्गों में एकता का भाव पाया जाता है। नंबर 2 लेखक ने यहाँ भारत और सोवियत संघ में चली राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं के बीच की असमानता का उल्लेख नहीं किया है। क्या आप 2 असमानताएँ बता सकते हैं? सोवियत संघ में साम्यवादी आधार पर राष्ट्र निर्माण हुआ है, जबकि भारत में लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र का निर्माण हुआ है। लोकतंत्र यहाँ पर राष्ट्र निर्माण का आधार है। प्रश्न गौ है, अगर पीछे मुड़कर देखो तो आप क्या पाते हैं? राष्ट्र निर्माण के इन 2 प्रयोगों में से किसने बेहतर काम किया और क्यों? इससे पहले इसमें 2 अंतर बताने थे। ऊपर वाले प्रश्न में सोवियत संघ राष्ट्र निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता का सहारा लिया था, जबकि भारत ने कई तरह की भारतीय मदद भी ली थी। उसके बाद गौ प्रश्न था, अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो क्या पाते हैं? राष्ट्र निर्माण के इन 2 प्रयोगों में किसको बेहतर काम किया और क्यों? अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि भारत में किए गए राष्ट्र निर्माण का प्रयोग बेहतर है, परंतु 1991 में सोवियत संघ के विघटन से राष्ट्र निर्माण के प्रयोग पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये थी दोस्तों कक्षा 12 पाठ नंबर 1 स्वतंत्र भारत में राजनीति नामक पुस्तक का पाठ नंबर 1 राष्ट्र निर्माण में चुनौतियों के अभ्यास प्रश्न जो पाठ पर दिए जाते हैं और इसके विषय में हमने चर्चा की। अगर आपको यह चर्चा अच्छी लगी तो अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अपने मित्रों को भी इस चैनल के साथ जोड़कर हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। तब तक के लिए बने रहें, मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।